स्वच्छ भारत अभियान के चलते महापौर पंचम ओमी कालानी द्वारा हमारे शहर के रहवासियों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। अगर आपके परिसर में किसी भी तरह की गंदगी या कचरा हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, जहां उल्लासनगर महानगर पालिका के सफाई कर्मचारी 24 घंटे के अंदर ये काम पूरा करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत उल्लासनगर शहर को भी स्वच्छ बनाने हेतु महापौर पंचम ओमी कालानी ने जो वादा किया था नई हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च करते हुए, जिसके चलते महापौर का दावा था इस हेल्पलाइन नंबर पर आई हुई कंप्लेंट्स 24 घंटे में सॉल्व की जाएंगी। शहरवासियों ने दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी समस्याएं बताई, जो 24 घंटे के भीतर ही सॉल्व की गई और उन्होंने महापौर का धन्यवाद किया। स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, उपआशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। से ही करनी होगी शुरुआत। अपने वादे पर खड़ी उतरी है महापौर और 24 घंटे से भी कम समय में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। ऐसे क्विक रिस्पांस से उल्लासनगर शहर की जनता काफी हद तक खुश है। मेरा नाम सुरेश कुकरेजा है, मैं रहता हूँ 22 स्टेशन उल्लासनगर 949 बैरक नंबर। तो कुछ दिन पहले मेरे दोस्त ने मैसेज किया कि नई ऐप लॉन्च की है मैडम उल्लासनगर मेयर ने, कि भाई जो कचरे की प्रॉब्लम है अगर कहीं को भी आप दिखती है तो जो फोटो निकाल के आप वहाँ पे व्हाट्सएप में भेज दीजिए। तो बहुत अच्छा लगा सुन के, और करीब हफ्ता पहले बार मैंने 2-3 फ़ोटो निकाल के वो ऐप पे मैंने हेल्पलाइन में फ़ोटो भेजे थे। तो ये देख के बहुत हैरानी हुई कि तो नेक्स्ट डे वो प्रॉम्प्ट एक्शन हो गया। UMC के लोग आए और वो कचरे की जो भी प्रॉब्लम थी वो कचरा सारा लेके चले गए, क्लीन करके गए। लेकिन थर्ड डे में वापस देखता हूँ कि लोग कचरा फेंक वापस उसी जगह फेंक के जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम कंटिन्यू है। और दूसरे दिन भी मैडम को मैं वही हेल्पलाइन में मैंने मैसेज करके भेजा कि ये प्रॉब्लम वापस हो रही है। तो इवन नेक्स्ट टाइम भी वो लोग आए और क्लीन करके चले गए, लेकिन वापस वो रोज़ की बात है, मतलब कचरा होते ही रहता है। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ हमारे लोगों को कि भाई हम लोगों को भी कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। हम लोगों को भी कचरे को प्रॉपर जगह पर रखना है, जहाँ पर वो म्यूनसिपल जाकर लेके जाए। ये जगह रोड नहीं है रखने के लिए। तो जिस तरह से UMC को सपोर्ट कर रही है, हमको भी कोऑपरेट करना चाहिए, तभी जाके ये सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद कचरा जितना कम होगा उतनी बीमारियाँ कम फैलेंगी, बच्चों को बीमारी कम आएंगी, लोग परेशान नहीं होंगे, आने जाने में भी अच्छा लगेगा। ये सब चीज़ें मैं मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को। साथ साथ अब आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। सिर्फ आपको YouTube पे सर्च करना है TOK जनादेश और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। इसी के साथ साथ तुरंत ही नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जनादेश।